नमस्ते, मेरा नाम है सीमा नागपाल एंड आई एम अ योगा टीचर। आज मैं आपको कुछ आसन्स बताने वाली हूँ जो कि सीनियर सिटीजन्स कैन यूज टू रिलीव देमसेल्व्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो आइए देखते हैं कि कौन से आसन हम कर सकते हैं एज सीनियर सिटीजन्स टू हेल्प यू विद कॉन्स्टिपेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, व्हेन यू आर लाइंग डाउन, आप अपने पैरों को फ्रंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे पॉइंट और फ्लेक्स कीजिए, थोड़ी सी मूवमेंट इन द बॉडी आ जाएगी आपकी। और फिर उसके बाद राइट लेग को चेस्ट की तरफ लेकर जाइए, इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। इसी तरह आप लेफ्ट लेग को चेस्ट की तरफ लेकर आइए और यहां कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए। इसी तरह आप ये दोनों लेग्स को भी अपनी चेस्ट की तरफ लेकर जा सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, और यहाँ थोड़ी देर रुकिए। इट विल हेल्प यू इन मसाजिंग योर एब्डोमेन, आपके स्टमक को मसाज करने में ये हेल्प करता है। फिर दूसरा आसन जो आप कर सकते हैं वो है, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन अगर आपसे होता है, इफ योर नीज पेन, तो आप ये आसन मत कीजिए। इट इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल आसन इन केस आपके घुटनों में दर्द है। आप अगर घुटनों में दर्द नहीं है और आपको लगता है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं और आप ये कर सकते हैं तो आप ये जरूर करिए। वज्रासन में आप बैठ सकते हैं पोस्ट डिनर, या वैसे भी दिन में आप कभी भी बैठ सकते हैं इस आसन में फॉर अ फ्यू मिनट्स और अ फ्यू सेकंड्स। यू कैन स्टार्ट विद 10-20 सेकंड्स एंड यू कैन गो अप टू 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, जो भी आपकी कैपेसिटी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। एक और आसन जो आप कर सकते हैं वो है बालासन। ऐसे ही वज्रासन में अगर आप बैठते हैं तो आप अपने हाथों को पीछे लेकर या फॉरवर्ड लेकर सर अपना फ्रंट में झुका सकते हैं एंड इस तरीके से आपके स्टमक को एक मसाज मिलेगी। योर स्टमक विल प्रेस अगेंस्ट योर थाइज, तो इससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा एक और आसन जो मैं आपको बताऊंगी वो है मालासन। ये आसन सीनियर सिटीजन्स के लिए करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यू कैन एक्चुअली, आप किसी स्टूल या किसी ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, और एक ये स्क्वाटिंग पोजीशन है जो हमारे एंसेस्टर्स या जो भी आप बोलेंगे, आप हमारे बड़े पुराने जमाने में इंडियन टॉयलेट्स यूज करते थे, ये इंडियन टॉयलेट पोजिशन है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके नीज में जान है या आपको फील होता है कि यू कैन रियली मैनेज, तो आप ये करिए। नहीं तो किसी ब्लॉक पर या किसी स्टूल पर रखकर थोड़ा सा सपोर्ट लेकर आप ऐसे बैठ सकते हैं। नहीं है तो अलमारी के साथ भी आप बैठ सकते हैं ऐसे, तो थोड़ा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। पर ध्यान रखिए कि आपके नीज में कोई इंजरी ना हो, कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो ही आप ये आसन करिए, अदरवाइज नहीं करिए। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये वेस्टर्न कमोड आप देख सकते हैं, जब आप इसके ऊपर बैठते हैं, आप इसके ऊपर बैठिए, ये एक स्टूल है, इसको एक पॉटी स्टूल बोलते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो यू कैन यूज एनी नॉर्मल स्टूल, उसके ऊपर आप रखेंगे पैर एंड देन यू यूज योर कमोड। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा प्रेशर आपके स्टमक की तरफ ज्यादा आएगा एंड इवन आपको लगता है तो थोड़ा सा आप आगे भी बेंड हो सकते हैं ताकि आपका थोड़ा मसाजिंग हो जाए स्टमक की। ये एक बहुत हेल्पफुल टूल है जो आप यूज कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल यू आर गोइंग टू पास योर क्लीन योर बाउल्स। एक और लाइंग डाउन आसन है जो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप सुबह में उठते हैं तो आप ये अपने हैंड्स को डब्ल्यू पोजिशन में या टी पोजिशन में रख सकते हैं। यू कैन लाई डाउन इन द सेंटर ऑफ द बेड और दोनों टांगों को आप साथ रखिए, बेंड कीजिए नीज पे, और इनहेल करते हुए एक्सहेल करके आप अपना बॉडी को फ्लेक्स को लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे और फेस को राइट की तरफ लेके जाएंगे। इसमें आपके स्टमक एरिया को एक ट्विस्ट मिलेगी, देयर विल बी अ स्लाइट जेंटल मसाज दैट विल हैपन, वो आपको बेनिफिशियल होगी। इसी तरह आप इनहेल करते हुए सेंटर में आइए और एक्सहेल करते हुए अभी दूसरी साइड पे जाएंगे और आपका फेस अदर साइड पे जाएगा, जो लेफ्ट साइड पे, मेरी लेग्स राइट पे हैं और फेस लेफ्ट साइड पे है। ये भी आप 5-7 टाइम्स कर सकते हैं, इट इज वेरी हेल्पफुल।
Then I will also teach you a pranayam, which is an excellent way to massage your abdominal area. There will be movement in the abdominal area. Uske muscles ko work milta hai. आप अपना बेंड करके लेट जाइए, आपके नीज टुगेदर होंगे और पैर अलग होंगे. फीट विल बी अपार्ट, नीज विल बी टुगेदर. यू प्लेस योर राइट हैंड ऑन योर नेवल, योर लेफ्ट हैंड विल बी फेसिंग द सीलिंग एंड एज यू इनहेल योर बेली विल राइज अप एंड एज यू एक्सहेल योर बेली विल गो डाउन. इनहेल एंड योर बेली राइजेज अप लाइक एक बलून की तरह. बलून इन्फ्लेट होता है और बलून डिफ्लेट होता है. आपको ध्यान रखना है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उसी हिसाब से करिए. डू नॉट ओवर डू इट, ना ही आप इसमें ब्रेक्स लीजिए. जो स्मूथ मूवमेंट के साथ आपका स्टमक ऊपर आता है उसी स्मूथ मूवमेंट के साथ स्टमक को नीचे लेके जाना है. यू इनहेल एंड द बेली राइजेस, यू एक्सहेल एंड द बेली फॉल्स डाउन. सो ये एक बहुत अच्छा प्राणायाम है जो आप कर सकते हैं. So these are all the exercises and all the techniques जो आप use कर सकते हैं in your daily practice to help yourself with the constipation. बाकी diet में आप क्या कर सकते हैं वो सोनम आपको बताएंगे. Thank you. Namaste.